हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हो चुकी है शाम और ये शाम का टाइम है और मैं अपने पार्किंग में खड़ी हूँ। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा बाहर की सैर करते हैं। और ये देखिए, मैंने और मिट्टी लाया, ये अभी भीगा हुआ है पूजा के लिए। तो चलिए आज हम लोग बाहर की सैर करते हैं। चलिए पूनम जी के घर अब चलते हैं। पूनम जी का घर भी पास ही है और उन्होंने आज ये, हाँ, हमारे बिहार में उसे हम लोग गुदड़ा कहते हैं, कोई लेदरा कहते हैं और ये चपूता कहते हैं, वो बनाया हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं। और ये देखिए, इन्होंने बनाया है ये, हम लोग इसे गुदड़ा कहते हैं, कोई लेदरा कहते हैं और ये चपूता कहते हैं। मशीन से सिलाई किया हुआ, देखिए कितना सुंदर है। अब इसमें और सिलाई बाकी है कि हो गया? नहीं, अभी बहुत बाकी। देखिए बोल रहे कि अभी इसमें बहुत मेहनत है, ये बहुत मेहनत। और यहाँ थोड़ा बहुत पानी हो रहा है तो हम लोग घर जा रहे हैं, नहीं तो भींग जाएंगे और मोबाइल भी भींग जाएगा। हम लोग टहल हम लोग दुकान गए थे तो दुकान से अब आ रहे हैं। ये रो रहा था फ्रूटी के लिए, फ्रूटी लेने के लिए। ये बच्चा, ये पानी जोर हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, नहीं तो हम लोग भींग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। चला जाए तो हाँ, चलिए तब कन मिलते हैं। तो चलिए मैं आ गई हूँ अब अपने घर। पानी जोर होते जा रहा है और मेरा बालकनी में कपड़ा है तो मैं कपड़ा उठा लेती हूँ। चलिए मैं अपने घर, पानी जोर से हो रही है और चलिए मैं कपड़ा उठा लेती हूँ, नहीं तो सारे कपड़े भीग जाएंगे। मैंने उठा लिया है कपड़ा, तो अब चाय का टाइम। ये मेरा बाल ऐसे क्यों खड़ा हो जा रहा है पता नहीं, झड़ झड़ के जो फिर जमता है ना वही सब खड़ा हो रहा है। तो अभी तो हो गई है शाम तो अभी चाय बन रही है, तो चाय पियेंगे फिर बात करेंगे और फिर मैं इडली बनाऊंगी। इट्स टी टाइम, चलिए चाय पीते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी इडली और चना दाल का चटनी, तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और क्या, यहाँ का मौसम तो। मेरी चाय हो चुकी है खत्म और चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ और हम लोग इडली की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो किचन के सिंक में मेरा बर्तन भरा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं इडली का काम करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कितना बर्तन है। चलिए, इतने सारे बर्तन हैं तो मैं बर्तन धोऊंगी। उसके बाद देखिए मेरा बेटा इतना सारा कड़ी पत्ता लाया है और है, तो फिर मैं चटनी बनाऊंगी उसके बाद इडली बनाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट पहले चेंज कर लेती हूँ। तो बर्तनों को मैंने धो दिया है और अब मैं दूध उबाल रही हूँ, दूध उबाल लेती हूँ, नहीं तो मौसम तो ठंडा है लेकिन फट भी सकता है। और फिर मैं देखिए ये जो कड़ी पत्ता है तो मैं इसको ज़्यादा मंगा के पॉलिथीन में करके फ्रिज में रख देती हूँ, तो बहुत दिन तक रहते हैं, सूखे भी रहते हैं, तो मैं इसे डालती हूँ तो अच्छी खुशबू आती है। तो और फ्रेंड्स, मुझे नाइटी में ही काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल में रहती हूँ, सूट पहनती हूँ लेकिन शाम होता है तो मैं नाइटी पहन लेती हूँ। तो और ये मेरे न्यू बॉर्न हेयर है जो देख रहे ना ये किस तरह कड़ा जा रहा है। तो तब तक मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर बात करती हूँ। तो ये देखिए मैंने कड़ी पत्ता पॉलिथीन में डाल दिया है, तो चलिए मैं इसे फ्रिज में डाल देती हूँ, नहीं तो ये बाहर रहेंगे तो सूख जाएंगे। ये देखिए दोस्तों मेरे इडली का बैटर, और मैंने ये इडली के बर्तन में सांचे में लगा दिया है तेल और अब मैं इसे डालूंगी और पानी गर्म होने रख दिया है। मेरा कलछुल बहुत छोटा है तो इसीलिए एक ही बार में मैं डाल पा रही हूँ। आज मैं सादा इडली बना रही हूँ।
चलिए मैंने इसे कर सांचे में डाल दिया है, तो अब मैं इसे इडली के बर्तन में सेट कर देती हूँ। और ये देखिए चना चटनी के लिए मेरा चना दाल भी रेडी है, मैंने इसे भून लिया है। इसमें लहसुन, कड़ी पत्ता और मिर्च डाला हुआ है, चाहे तो आप अदरक डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला। और अब मैं इसे मिक्सी के जार में पीस लूंगी। पानी डाल देने से ये होता है कि नरम हो जाएगा तो आसानी से पीसा जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इडली कितनी फूली फूली गर्मा गर्म, और ये चटनी भी मैंने पीस लिया है, इसमें छौंका लगाना बाकी है। ये देखिए देखिए दोस्तों मेरी इडली कितनी फूली फूली और स्पॉन्जी है, और देखिए कितनी आसानी से निकल भी जा रही है। तो फ्रेंड्स ये मेरी हम लोग के रात का खाना यही है, आज चना दाल की चटनी और इडली। तो देखिए ऐसे मैंने चना दाल की चटनी जिसे मैंने भून लिया है थोड़े से तेल में, और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च से मैंने इसमें और सरसों से छौंका लगा दिया है। तो जब बन ही गई है तो मैं बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। अभी तो फिलहाल 8 ही बज रहे हैं लेकिन दे देती हूँ, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी बर्तन वर्तन धो के। मैं रात में ही सारे बर्तन धोती हूँ और किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो कल मिलते हैं, और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।